गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। अब अपने बारे में बताइए। मैं कनिका कनवाल हूँ, 12th क्लास में पढ़ती हूँ मैं ASN सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। कनिका, आपके स्कूल से 4 खिलाड़ियों ने वर्ल्ड स्कूल बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है, तो आप लोगों के लिए कितना बड़ा ऑनर है? बहुत बड़ा ऑनर है, अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करना, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना, हर किसी को ये चांस नहीं मिलता है एंड हम चारों को ये चांस मिला है तो ये बहुत बड़ा डील है हमारे लिए। एंड हम चाहते हैं कि जैसे हमने दिल्ली को जिताया था स्कूल नेशनल्स में, हम वहाँ जाके अपने स्कूल को और दिल्ली को जिताए। वर्ल्ड स्कूल बैडमिंटन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने को लेकर अब तक क्या योजना है आपकी और आपकी टीम की? योजना ये है कि बस वहाँ पे जाना है, सबको हराना है और मेडल्स लेके आने हैं। वेरी गुड। वर्ल्ड स्कूल बैडमिंटन चैंपियनशिप के बीच में बोर्ड एग्जाम भी आ गया है, तो आप CBSE से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील तो कुछ नहीं करना चाहेंगे, बस रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर हमारे 1-2 एग्जाम छूट रहे हैं तो आप प्लीज़ कंसिडर कर लीजिए, क्योंकि हर किसी को ये मौका नहीं मिलता है कि वो यूरोप जाके वर्ल्ड चैंपियनशिप स्कूल में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके। तो हम लोगों को ये चांस मिल रहा है तो आई थिंक उन्हें वो कंसिडर करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि CBSE को कोई ऐसा रूल बनाना चाहिए कि एग्ज़ाम के दौरान स्टूडेंट्स का जो वर्ल्ड लेवल का गेम्स है वो ना छूटे और उनके लिए एग्ज़ाम की अलग से व्यवस्था हो? एक्चुअली बोर्ड्स है तो सबके लिए एक ही रूल चलते हैं, पर प्लेयर्स ऐसा है कि उनके कोई भी टूर्नामेंट बीच में आ सकते हैं, तो जो अच्छे खिलाड़ी हैं जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो शायद मेरे को लगता है उनके लिए थोड़ा एक्सेप्शंस होने चाहिए ताकि वो लोग एग्ज़ाम्स भी दे सकें और साथ में अपना गेम भी कंटिन्यू कर सकें। अगर आप एग्ज़ाम की वजह से वर्ल्ड स्कूल बैडमिंटन चैंपियनशिप में नहीं खेल पाते हैं तो यह देश के लिए और आपके लिए यानी व्यक्तिगत तौर पर आपके लिए कितना बड़ा नुकसान होगा? नुकसान तो होगा, मतलब कि बुरा लगेगा कि मैं अपनी टीम के लिए नहीं खेल रही हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे जीत के बहुत मेहनत करी है और हमने सोचा भी नहीं था कि हम लोगों को यूरोप भेजेंगे, बट अभी बोल रहे हैं कि वहाँ जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करना है और एकदम से बोल दे कि आप नहीं जा सकते तो बहुत बुरा लगेगा। क्या आपको नहीं लगता कि HRD मिनिस्ट्री स्मृति ईरानी को इस मामले में दखल देनी चाहिए या इसमें कुछ करना चाहिए, बिकॉज आपके एग्जाम्स एंड गेम्स जो हैं वो एक साथ नहीं हो पा रहे हैं? बस मतलब हम तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे कि हमारे एग्जाम्स 1-2 कंसिडर कर लीजिए, क्योंकि हमारी फ़्लाइट का शेड्यूल ही ऐसा है, हमारे एग्ज़ाम्स पे आ रहे हैं, तो उनसे बस हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ हमारे एग्ज़ाम्स में 1-2 दिन का गैप दें और हमें प्रिपेरेशन के टाइम दें। कनिका, आप इस लेवल तक पहुँची हैं तो इसकी क्या प्रक्रिया रही, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, क्या क्या लेवल्स रहे यहाँ पहुँचने के? स्टार्टिंग में तो सिर्फ मैं ASN स्कूल के कोर्ट में खेलती थी, मेरे को नहीं लगा था कि मैं इतना ज़्यादा खेलूँगी, बट मेरे पापा ने जो इंटरेस्ट दिखाया है उसके बाद से मैंने स्टेट्स खेले हैं, स्टेट्स बहुत सारे स्टेट्स जीते हैं, नेशनल जीते हैं एंड नेशनल के बाद मैंने इंटरनेशनल लेवल पे भी इंडिया को रिप्रेजेंट करा है। कनिका, आप ही की तरह जो और भी बच्चे खेलते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वर्क हार्ड, प्ले हार्ड एंड सिर्फ बैडमिंटन देखो, अगर तुम्हें बैडमिंटन को चूज़ करना है तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पढ़ाई हो, तुम प्लेयर बन सकते हो। बालगुरु से बात करने के लिए थैंक यू। Good morning.